Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all here with a very important component, very important chapter of GE Main and Advanced, namely circles. तो सबसे पहले हम इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो फंडामेंटल्स है, उन पर नज़र डालेंगे विद इलस्ट्रेशंस, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल. सो लेट्स स्टार्ट. सर्कल आपको पता है, ये हमारे पास है, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट इसका सेंटर होता है, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं. इफ इट इज सपोज टू बी पॉइंट पी एक्स का वाई, ये सेंटर इसका है. अगर हम सेंटर लेंगे इसे एच का मतलब हम लेंगे सेंटर, तो ये जो सी पी है, सी पी रेडियस बन गई. सी पी इक्वल टू आर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. सी पी जो है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर. स्क्वायरिंग इट्स एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है. सेंटर इसका क्या है? सेंटर इसका है एच का मकी और रेडियस है आर. नाउ सी, अगर सेंटर अब होगा ऑरिजिन, इसको हम सेंट्रल फॉर्म भी कहते हैं. अगर सेंटर ऑरिजिन होगा तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगा? h के बदले जीरो लिखना है और k के बदले जीरो. इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस फिर से हमारे पास r है. इसके बाद अगर रेडियस जीरो होगी अगर ये रेडियस जीरो होगी तो व्हाट विल हैपन टू द सर्कल? सर्कल जो है ये कोलैप्स हो जाएगा और इट विल रिड्यूस टू पॉइंट एच कॉमा के. तो अगर हम आर लेंगे जीरो, इफ आर इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इसको हम कहते हैं पॉइंट सर्कल. इसको खाली एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, वो क्या है? एच का मक के इसको सेटिस्फाई करेगा. तो पॉइंट सर्कल क्या है? ये पॉइंट बनता है, कौन सा पॉइंट? नेमली सेंटर, जब रेडियस क्या होगी? जीरो. तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन ये है. इसके बाद है जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म जो है, यू नो दैट जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये किस फॉर्म में आता है? ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. नाउ सी, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है इसका कोफिशियंट इक्वल होना चाहिए एंड देयर शुड बी नो टर्म कंटेनिंग एक्स एंड वाई. इसका सेंटर जो है वो क्या होता है? माइनस जी कामा माइनस एफ. ये हम ऐसे भी याद रखते हैं, माइनस हाफ कोफिशियंट ऑफ एक्स कामा माइनस हाफ कोफिशियंट ऑफ वाई. माइनस हाफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स है टू जी, माइनस हाफ कोफिशियंट ऑफ एक्स होगा माइनस जी. माइनस वन बाई टू कोफिशियंट ऑफ वाई, कोफिशियंट ऑफ वाई है टू एफ, टू एंड टू विल गो, विल बी माइनस एफ. तो क्वेश्चन में हम इस तरीके से हम ये करते हैं, ये सेंटर और रेडियस जो है, रेडियस इसकी क्या आती है? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. फिर
नो अगेन ये जनरल इक्वेशन है, इसकी रेडियस है। अगर हमारे पास होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स सर्कल इज रेडियस जो है ये रियल है, इट मीन्स वी आर एबल टू ड्रॉ सर्कल। अगर हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो आर जीरो के बराबर बनेगा। इन दैट केस इट विल रिड्यूस टू पॉइंट सर्कल, जो हमने अभी से पहले डिस्कस किया। एंड इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, इसका मतलब आर इमेजिनरी है, तो इसका मतलब सर्कल इज इमेजिनरी, इट मीन्स वी कांट ड्रॉ द सर्कल। दिस इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल मीन्स जब ए और बी जो है दे आर सपोज टू बी द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लेंगे? लेट दिस बी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, वी कैन जॉइन दिस। वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, तो इसका मतलब ए पी और बी पी जो है ये परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ बी पी जो आएगा -1। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। सो दिस इज कॉल्ड द डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इसका जो सेंटर है यहाँ सी, इट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये क्या बनेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। तो सेंटर जो है इसका, सेंटर क्या बनेगा इसका, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। और रेडियस जो है ए सी हम ले सकते हैं या बी सी ले सकते हैं। रेडियस इसकी जो है इट विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी, तो ये हमारे पास इसकी रेडियस आएगी। इसके बाद जो है पैरामीट्रिक फॉर्म्स, जो हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म आएगा एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यू नो the parametric forms when x and y are connected with another variable, here it is theta, so x and y are here functions of theta, this is called the parametric form as we do in complex numbers। so ye isko satisfy karega, it will be r square from both sides, jo aapka central form hai x minus h square plus y minus k whole square equal to r square। इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो क्या आएगा बेटा, दैट विल बी एक्स इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। देखो जब एक्स के बदले ये लिखेंगे एच एंड एच विल गो, ये फिर से आएगा आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा आर साइन थीटा होल स्क्वायर, सो फ्रॉम बोथ साइड्स इट विल सेटिस्फाई। थर्ड जो आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म है दैट इज एक्स इक्वल टू वाई का बेटा एक्स इक्वल टू माइनस जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
माइनस थ्री, जो आपके पास आर है टाइम्स कॉस थीटा, और इसी तरीके से वाई कंपोनेंट जो है, वाई कंपोनेंट में यहाँ लिखता हूँ वाई का माइनस एफ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी टाइम्स साइन थीटा। तो ये हमारे पास है इनके पैरामीट्रिक फॉर्म्स। नेक्स्ट, दिस इज कंडीशन फॉर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू टच द सर्कल, मीन्स ये जो लाइन है ये इस सर्कल का टेंजेंट होगा, इसको हम बोलते हैं स्लोप फॉर्म है। तो जो सर्कल है, हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस है और रेडियस इसकी आर है। तो कंडीशन कैसे निकालेंगे, ऑरिजिन से लेके इस लाइन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हमें स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आर के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, जो ये डिस्टेंस है, अगर मैं ये ओ पी रखूंगा, ओ पी डिस्टेंस किसके बराबर आनी चाहिए, आर। ओ पी डिस्टेंस जो है, जो हमारे पास है डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्स के बदले भी जीरो लिखना है, वाई के बदले भी जीरो लिखना है, इज जीरो, ये यहाँ जाएगा माइनस जीरो, फिर माइनस सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वाई माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। तब सी एक्स के बदले भी जीरो दिया, वाई के बदले भी जीरो दिया, ये माइनस सी, फिर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए होता है एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस एम स्क्वायर, बी होता है वाई का कोएफिशिएंट दैट इज वन स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू आर, सो इट इज मोड ऑफ सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू आर। इसका मतलब सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस आर, सो सी विल बी प्लस माइनस आर टाइम्स रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन। और यू कैन राइट सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। फाइन, तो इक्वेशन ऑफ जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म है, आपने लिखा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब सी के बदले क्या लिखा है, प्लस माइनस आर टाइम्स रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, तो ऐसे हमें मिलता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म विद सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, किस पॉइंट पे एट पी एक्स वन कमा वाई वन। ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओरिजिन, और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। नाउ सी हम क्या करेंगे, ओपी का स्लोप, OP जो है इसका स्लोप आएगा y2 टू माइनस वाई वन दैट इज वाई वन माइनस जीरो डिवाइड बाई एक्स वन माइनस जीरो दैट इज वाई वन बाई एक्स वन, और ये जो टेंजेंट है ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, अगर ये हम m रखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है इसके परपेंडिकुलर दैट माइनस वन बाई एम, तो क्या आएगा y का माइनस एक्स वन बाई वाई वन। तो इस लाइन का स्लोप हमें ये है, और ये इस पॉइंट से पास होता है, अगेन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा हमें, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप, स्लोप हमारे पास
माइनस एक्स वन बाई वाई वन है इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इट विल बी वाई वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वायर। इसको यहाँ से लिखते हैं एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। नाउ सी, ये पॉइंट जो है पी एक्स वन वाई वन ये सर्कल पर भी लाइक करता है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। सो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल, यू डोंट नीड टू डू द डिफरेंशिएशंस एंड अदर थिंग्स। जब आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालनी होगी एट पी एक्स वन वाई वन, तो दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आपको क्या करना है, जो इसको क्वाड्रेटिक कंपोनेंट है x स्क्वायर को लिखना है x x1, y स्क्वायर को लिखना है y y1, एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये प्रोटोकॉल अब आगे भी रहेगा जब आपको जो पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है, वहां भी इसी तरीके से इन द सेम पैटर्न फॉलो होता है। इसलिए मैं आपको प्रूफ्स दिखा रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। सो इट इज x x1 plus y y1 equal to r स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये टैंजेंट है, ये इसका नॉर्मल है, तो एट दिस पॉइंट हमें निकालना है। इसका मतलब उसमें स्लोप ऑफ ओपी जो है वो यूज होगा। स्लोप ऑफ ओपी हमने यहां दिया है वो ये है, तो ये नॉर्मल इसका है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, स्लोप ये है। तो इट विल बी अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1, इस वक्त स्लोप क्या है, इट्स y1 बाय x1 इनटू x माइनस x1। सो इट विल बी y x1 माइनस x1 y1 इक्वल टू y1 x माइनस x1 y1, दिस एंड दिस विल गो, it's y x1 equal to y1 x, ये हम ऐसे भी याद रखेंगे y divided by y1 equal to x divided by x1। तो ये आपके पास आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x by x1 equal to y by y1 to the given circle। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, किस पॉइंट पे एट एक्स वन वाई वन। जैसे कि आपने अभी देखा हमें क्या करना है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए, ये जो क्वाड्रेटिक कंपोनेंट है यू हैव टू रिप्लेस इट बाय एक्स एक्स वन, यहां भी क्वाड्रेटिक कंपोनेंट है वाई वाई वन। अच्छा, ये 2g ऐसे ही जो लीनियर कंपोनेंट है, इस लीनियर कंपोनेंट को रिप्लेस करो x प्लस x1 बाई 2 से। रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लीनियर कंपोनेंट है रिप्लेस इट बाय x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f, यहां भी लीनियर कंपोनेंट है रिप्लेस इट बाय y प्लस y1 बाई 2 प्लस c इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या बनेगी, x x1 प्लस y y1 plus 2 and 2 will go, it's g times x plus x1 plus f times y plus y1 plus c equal to 0। तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इसी तरीके से जैसे हमने अभी देखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ एट इसी पॉइंट पे एक्स वन कम वाई वन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है आपने भी देखा वो था उस फॉर्म में एक्स बाई एक्स वन इक्वल टू वाई बाई वाई वन, लेकिन यहाँ ये क्या आएगा एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय या था एक्स वन प्लस जी इक्वल टू
y minus y1 divided by y1 plus f. तो ये आपको देगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो दिस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी एक्स वन वाई वन. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी एक्स वन वाई वन. पी एक्स वन वाई वन पॉइंट है आउटसाइड दिस सर्कल. लेंथ ऑफ टेंजेंट मीन्स ये जो पी टी है इसकी लेंथ अगर हमें निकालनी है टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ प्लस इक्वल टू जीरो. हमें पता है ये जो सर्कल है इसका सेंटर है माइनस जी का माइनस एफ, और ये यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आर पॉइंट. पी आर जो है ये इसकी रेडियस बनेगी. रेडियस आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. और ये जो पी आर है ये भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. और आर टी जो है परपेंडिकुलर टू पी टी. देन मेकिंग यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये जो पी टी है इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ व्हेन सिंपलीफाइंग ऑल द थिंग्स इट कम्स आउट टू बी एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी. तो ये हमारे पास आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट. ठीक है बेटा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. इट हैज गॉट इट्स ओन सिमेट्री. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर एंड यू हैव द सर्कल है टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी. दिस कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट. अच्छा, इसके बाद जो हमने अभी Now see this illustration first on ये जो हमने length of tangent किया. Question क्या है, if the length of tangent drawn from point 5, 3 to the circle x square plus y square plus 2x plus k1 plus 17 equal to 0 be 7. Length of tangent किसके बराबर है 7. हमें बता रहा then k is equal to these are the options. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. आपका x1 यहां 5 है, x1 इज 5 और y1 क्या है 3. तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा यहां, ये बनेगा 25 प्लस y1 स्क्वायर दैट मींस 9. फिर क्या है, x को रिप्लेस करना है x1 से, तो वो हमारे पास क्या आएगा 5 into 2 that is plus 10. और y को रिप्लेस करना है y1 से is plus 3k plus 17 equal to length of tangent किसके बराबर that is equal to 7. So this is square root of plus 3k equal to 7. तो स्क्वायरिंग इट इज 61 प्लस 3k इक्वल टू 49. दिस मींस 3k इक्वल टू 49 माइनस 61. दिस मींस 3k इक्वल टू 3k equal to minus 12, k equal to minus 4. So this is the right option. This is the second question on the same problem. The locus of a point which moves so that the ratio of the length of tangents, length of tangent jo humne abhi padha, to the circles this and this, दो सर्कल्स हैं तो उनके जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है टेंजेंट से उनका रेशियो बराबर है
2/3। तो हमें बताना है वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट का लोकस इन में से क्या है। तो ये इस तरीके से है, अगर ये एक सर्कल है, हम पॉइंट रखेंगे P(x1, y1), ये P1, PT1 जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट सर्कल, और से दूसरा सर्कल यहाँ पे है, यहाँ पे हम लेंगे ये T2, PT2 जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकेंड सर्कल, उसका रेशियो क्या है, 2/3। तो हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, आपको पता है PT1 कैसे निकलेगा, ये x1 y1 पॉइंट पहले वाले सर्कल में देना है विद स्क्वायर रूट, और PT2 कैसे निकालना है, ये इसमें देना है x1 y1 विद स्क्वायर रूट, और वो किसके बराबर रखना है, 2/3। दैट मीन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ जो फर्स्ट है, फर्स्ट सर्कल क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड सर्कल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 2/3। सो व्हेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इट विल बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 3 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 5 इक्वल टू 4/9। So it will be 9x1 square plus 9y1 square plus 36x1 plus 27 equal to 4x1 square plus 4y1 square minus 24x1 plus 20। So it will be ये हमारे पास आएगा 4x1 square। So 9 minus 4 it is 5x1 square plus 5y1 square, then plus 36 and 24, 30, 20, 50, it is plus 60x1, and 27 minus 20, it's 27 minus 20, it is plus 7 equal to 0। तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। सो दिस इज द फाइनल आउटकम। इसका मतलब लोकस क्या आएगा, लोकस इज 5x2। को पता है x1 y1 जो है इसको रिप्लेस करना है, 5x2 प्लस 5y2 प्लस 60x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो दिस इज फाइनल लोकस। नाउ लेट्स सी D is the right option. So it's very nice question on this. The next question, if a straight line y equal to mx plus c touches the circle. Touches the circle means ये जो line है ये इस circle का tangent है, किस point पे at 2, 3 पे हमें बताना है, then c is equal to, हमें c का value निकालना है। Now see जो हमने अभी पढ़ा इससे कितना इजी होगा, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट 2, 3। जो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी दैट विल बी आइडेंटिकल विद दिस थिंग, उसके साथ कंपेयर करेंगे, हमें सी का वैल्यू भी आएगा और एम का भी। यहाँ इन्होंने सी पूछा है, ये एम का भी वैल्यू पूछ सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या करना है, अभी हमने सीखा x² को रिप्लेस करना है, ये आपका x1 है, ये y1 है, मैं लिखूंगा x1 के बदले क्या है 2 प्लस y1 के बदले क्या है 3 माइनस 2। मैंने आपको बताया x को कैसे रिप्लेस करना है, x प्लस x1 क्या है 2 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस 4 y को रिप्लेस करना है y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y, दिस एंड दिस विल गो, दिस इज माइनस एक्स माइनस टू, इट्स हेयर माइनस टू, इट्स माइनस 2y माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स माइनस एक्स, इट्स एक्स, इट्स प्लस वाई, देन इट्स माइनस
8 plus 3 that is minus 5 equal to 0. इसको मैं लिखूंगा y equal to minus x plus 5. जब इसको कंपेयर करेंगे हमारे पास y equal to mx plus c के साथ, तो हमारे पास m आएगा minus 1 और c आएगा 5. तो अगर m पे क्वेश्चन बना होता इसका आंसर होता minus 1, अभी इन्होंने c पे क्वेश्चन बनाया तो c का वैल्यू क्या है, इट्स 5. तो इट्स वर्किंग क्वाइट इजीली. जब आप बेसिक्स अच्छे से पढ़ोगे, जो बेसिक्स है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हर किसी टॉपिक में, उसको अच्छे से पढ़ना है. उसमें ये नहीं मतलब ये हम कितना याद रखेंगे, हम याद नहीं रखते, हम विद प्रूफ विद लॉजिस्टिक हम चलते हैं विद प्रूफ्स. तो जो हम प्रूफ्स करते हैं उससे क्या होता है, अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया है जो चीज़ आपको समझ आती है ये ऑटोमेटिकली इसको स्टोर करता है. सो इट विल बी स्टोर्ड एंड दिस इज योर आई मीन से द आउटकम, ये आपको अच्छे से इसमें आएगा. Another question, equation of tangent to the circle, equation of tangent to the circle, which are parallel to the straight line. वो tangent इस straight line के parallel होगा. आपको बताना equation of tangents इनमें से क्या है. आप एक coordinate geometry में सीखा है जब आपको लिखना है equation of straight line parallel to given line, वो आप क्या लिखोगे. यहाँ पे equation of tangent क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो है वो बनेगा 4x plus 3y plus say some k equal to 0. क्लियर, ये आपके पास सर्कल है, ये इसका टैंजेंट है. टैंजेंट की इक्वेशन क्या है, 4x plus 3y plus k equal to 0. ये सर्कल का सेंटर है, इसका सेंटर क्या आएगा, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज दैट, दैट्स 3. माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, व्हाट इज दैट, दैट्स माइनस 2. इस सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होनी है, और इसकी रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर 9 एफ स्क्वायर प्लस 4 माइनस सी. ये 12 यहाँ आएगा, ये माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस 12, तो इसकी रेडियस जो है वो क्या बनेगा, 25. इसको 5 के बराबर होना है. इसका मतलब इस पॉइंट से जो सेंटर है, इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मॉडुलस ऑफ, मैं क्या लिखूंगा, 4 इंटू 3 प्लस 3 वाई के बदले क्या लिखना है, माइनस 2 प्लस के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9, दिस शुड बी इक्वल टू 5. दिस अगेन 5 इज 25, इट इज मॉडुलस ऑफ 4 3 12 माइनस 6 प्लस के इक्वल टू 25. It's 6 plus k equal to plus minus 25. तो k क्या आएगा, 25 minus 6 वो हो गया, that's 19. या k आएगा minus 25 minus 6 वो आएगा minus 31. इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स क्या बनेंगे, 4x plus 3y plus 19 equal to 0, 4x plus 3y plus 19 equal to 0, और 4x plus 3y minus 31 equal to 0. So this is the right option. So thank you very much for watching.